ये सिर्फ विलेज रिसोर्ट नहीं बल्कि एक वाटर रिसोर्ट भी होने वाला है। आपको वाटर पार्क के साथ में हम लोग ढाणी भी मिक्स करके दे रहे हैं। सो यहाँ से तो सीधा अगर आप जाते हैं तो विलेज में चले जाएंगे और ये एरिया जाता है वाटर पार्क में। बच्चे बड़े सब एंजॉय कर रहे हैं एम्बियंस देखिए, बहुत ही शानदार। कैसा लगा यहाँ का खाना और यहाँ का एम्बियंस कैसा लगा आपको? शानदार, वन वर्ड। ठीक है गाइस, ये है लग गई हमारी थाली और ऐसी जलेबी देखने को मिलेगी ये साइज की और बिल्कुल देसी तरीके से साफ सफाई से खाना बनाया जा रहा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विश टू एक्सप्लोर। मैं हूँ आपका होस्ट ऋषभ और आज मैं आपको जयपुर के अंदर एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जिसको देखकर आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। सो ये एक ऐसी प्लेस होने वाली है जो कि जयपुर के सारे वाटर पार्क्स और यहाँ तक कि सारे अम्यूजमेंट पार्क्स और विलेज रिसॉर्ट्स को भी फेल करने वाली है। इन जगहों को तो आप भूल ही जाएंगे अगर इस जगह पर आप आते हैं तो। सो मैं आया हूँ मौजारी डाणी पे जो कि है जगतपुरा गोनेर रोड के अंदर और इसकी लोकेशन मैं प्रॉपर तरीके से बता दूंगा, लेकिन आज मैं इसका कंप्लीट टूर कराने वाला हूं कि अगर आप यहां पे आते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। सो आइए चलिए चलते हैं। सो गाइस मैं खड़ा हूं अभी मौजारी डाणी के गेट पे और यहां से इसकी होती है एंट्री। सो अगर आपने गोनेर रोड का डी मार्ट देखा है सो डी मार्ट के जस्ट बगल में जा रही है एक 60 फुटा रोड और जब वो रोड ख़त्म हो जाती है तो आपको यहाँ का गेट दिख जाएगा। ये यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा इनका पार्किंग एरिया है। सो आपको गाड़ी खड़ी करने की कोई टेंशन नहीं है और गेट भी बहुत ही शानदार है। सो चलिए आइए चलते हैं अंदर। सो गाइस ये देखिए ये है इसका एंट्री गेट और देखिए कितना शानदार है और ये जयपुर का सबसे बेहतरीन पार्क होने वाला है। आपका वाटर रिसोर्ट भी इसी के अंदर होगा। सो कमाल की बात ये है कि ये सिर्फ विलेज रिसोर्ट नहीं बल्कि एक वाटर रिसोर्ट भी होने वाला है और बहुत गजब का होने वाला है। भाइये चलिए चलते हैं। ये देखिए अंदर आते ही आपको विलेज सा पूरा लुक दिखेगा और पूरा एम्बियंस इसी हिसाब से बनाया गया है कि आपको पूरा एक विलेज का लुक दिया जाए। यहाँ से अब चलते हैं अंदर अपन। सो देखिए कितना खूबसूरत पूरा विलेज लुक दे रखा है। सो ये रही मौजारी डाणी। सो गाइस अब हम जा रहे हैं अंदर। राम राम जी। ये देखिए क्या शानदार एंट्री गेट है। तो ये देखिए वाह पूरा विलेज लुक दिया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए गाइस। सो गाइस मैं आपको बता देता हूँ सो ये सिर्फ ना कि एक विलेज रिसोर्ट होने वाला है बल्कि एक वाटर पार्क भी इंक्लूडेड है इसके अंदर जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा फन कर सकते हैं। सो इस वाटर पार्क के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स मिलेगी, रेन डांस मिलेगा और मेगा पूल, बच्चों का पूल, हर एक चीज़ मिलेगी जिसमें आप खूब इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, क्योंकि यहाँ पे स्टैग एंट्रीज नहीं होने वाली है और ग्रुप बॉयज़ की एंट्रीज नहीं होने वाली है। सो अगर आप आ रहे हैं मौजारी डाणी तो आपको फैमिली के साथ ही आना होगा। सो इसका फी स्ट्रक्चर वगैरह, एक्टिविटीज़ वगैरह मैं सारी आपको बताने वाला हूँ। सो बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर गाइस। सो गाइस ये है एंट्री इसकी और जैसे कि चौकीदारी के अंदर आपको जलजीरा पानी वगैरह ठंडा मिलता है सो यहाँ पे भी आपको ठंडा पानी और जलजीरे की सुविधा मिल जाएगी। ये देखिए सो ये देखिए सो यहाँ पे ये डांस वाला एरिया है, कालबेलिया डांस वगैरह होता है यहाँ पे जैसा कि आपने चौकीदारी में देखा होगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से।
ये देखिए गाइस, और यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। वाओ, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सो यहाँ पे मेहंदी की फैसिलिटी भी है। सो ये मेहंदी फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, अपनी खुशी से जो देना चाहो। अच्छा, ये देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मेहंदी है, आप अपनी खुशी से कुछ भी देना चाहें दे सकते हैं। सो यहाँ पे पंडित जी भी हैं। सो पामिस्ट, अगर आप अपना भविष्य दिखाना चाहते हैं, अपनी हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, तो आप दिखा सकते हैं। ये देखिए गाइस, नमस्कार। तो गाइस, यहाँ पे मसाज की फैसिलिटी भी दी गई है, यहाँ पे आप चंपी भी करवा सकते हैं। ये देखिए, सो गाइस, ये देखिए कितना बड़ा एरिया है, और यहाँ पे आपको काफी सारी एक्टिविटीज मिलने वाली है। ये देखिए, सो यहाँ पे आपको जादू भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे जादू वाले भी हैं, ये देखिए। सो यहाँ पे जादू भी दिखाते हैं आप? बिल्कुल सर, दिखाते हैं। सो यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी झूले भी दिए गए हैं। सो यहाँ पे बच्चा झूल भी सकते हैं और काफ़ी इन्जॉय भी कर सकते हैं। ये देखिए, सो भैया इसके चार्जेस होते हैं या फ्री है? ये फ्री रहेगा। सो गाइस, इन झूलों के कोई चार्जेस नहीं है, सो ये फ्री रहेगा। और ये देखिए, और ये है गुड़िया का डांस। नमस्कार जी। तो यहाँ पे आपको कठपुतलियों का डांस भी देखने को मिलेगा। जैसा कि चौकीदानी के अंदर आपने देखा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये उससे कम नहीं है। इसमें भी हर एक चीज़, हर एक फैसिलिटी दी गई है, जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सो आइए और देखते हैं। सो गाइस, ये देखिए, सो यहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा गेम्स एक्टिविटीज़ हैं। ये देखिए, ये गेम्स हैं, ये डार्ट है, एरो। सो इन गेम्स के चार्जेस रहते हैं भैया, या ये फ्री रहते हैं? ये गेम चार्जेस रहते हैं। सो क्या चार्जेस रहते हैं? सबके अलग अलग चार्ज। अच्छा, सबके अलग अलग चार्जेस रहते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपको छोटी सी कैफेटेरिया भी दिख जाएगी, जिसमें आप ठंडा पानी वगैरह कुछ पी सकते हैं, साथ ही साथ गर्मी के हिसाब से आइस गोला भी खा सकते हैं। ये देखिए, वाओ। यहाँ पे शूटिंग गेम, ये देखिए बच्चे बड़े सब एंजॉय कर रहे हैं गाइस। सो बहुत ही बढ़िया जगह लगी मुझे जयपुर के हिसाब से। ये है डार्ट गेम, सॉरी, वो है तीर गेम, है 10 रुपए के 3 चांस है। अच्छा, ये भी डार्ट गेम है, ये 10 रुपए के 3 चांस है। ये देखिए गाइस, वाओ, ये ग्लास गेम है, ये ग्लास गेम है, एक बॉल से सारे गिराने पे 10 रुपए इनाम। अच्छा, एक बॉल से सारे ग्लास गिराने पे 10 रुपए इनाम। ये देखिए, ये बच्चों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पे झूला है, यहाँ पे मिनी शिप है जिस पे बच्चे झूल सकते हैं। सो इसका भी क्या चार्ज रहेगा भैया? ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो यार गाइस, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, जिसमें बच्चे खूब ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए, ना सिर्फ ये देखिए गाइस, सो ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है और बहुत शानदार। ये देखिए, मटका गार्डन। सो यहाँ पे अगर आप छोटी मोटी गैदरिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 50 बंदों की गैदरिंग है, सो ये पूरा एरिया है जिसपे आप 50 बंदों की गैदरिंग कर सकते हैं और इंजॉय
कर सकते हैं। तो गाइस अब हम बढ़ रहे हैं इनके खाने वाली जगह पे और देखिएगा कि किस तरीके से है। और हमें अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताइए कि आपको जगह कैसी लगी, क्योंकि बिल्कुल पहली वीडियो है इस जगह की जो कि बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, जैसा कि हम अपने हर एक वीडियो में दिखाते हुए आए हैं। तो आइए चलिए चलते हैं। ये है इनका कैफेटेरिया, मतलब यहाँ पे आप खा सकते हैं, कैफेटेरिया नहीं कहूँगा, ये पूरे खाने की जगह है। और देखिए कितनी शानदार, बिल्कुल साफ सुथरी, और यहाँ पे आप पूरा गांव वाला आनंद ले सकते हैं। ये देखिए वाओ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। सो एक बार अपन किचन में भी देखते हैं कि किस तरीके से खाना बनाया जा रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज खाने में दी गई है। तो देखिए गाइस ये है इनकी किचन और बिल्कुल देसी तरीके से साफ सफाई से खाना बनाया जा रहा है। सो खाने के अंदर क्या क्या रहता है? प्याज की सब्जी, दाल, पनीर की सब्जी और अपने यहाँ सलाद रहती है और अपने चार तरह की रोटी रहती है जिसके अंदर अपने आटे की रोटी, बेजर, मक्का और मिश्री रोटी। अच्छा तो गाइस अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको खाने का भी ऑप्शन बहुत ही अच्छा मिल जाता है। यहाँ नाश्ते में कड़ी कचौरी है, केरी पन्ना, कड़ी कचौरी, केरी पन्ना और ठंडाई और अपने बेल पूरी। सो ये नाश्ते में, सो मतलब ये क्या चार्जेबल होता है ये जो नाश्ता है? नहीं नहीं, सो ये भी इंक्लूडेड है। सो ये कहाँ लगता है, मतलब ये जैसे ये आपको सर्व किया जाएगा यहीं पे? अच्छा यहीं पे सब, पहले नाश्ता कराया जाएगा फिर मेन खाना? खाने से पहले आपको स्टार्टर्स दिए जाएंगे। अच्छा स्टार्टर्स के तौर पे है कचौड़ी, कचौड़ी, बेलपूरी, केरी पन्ना और ठंडाई। वाओ, सो गाइस ना सिर्फ आपका मेन कोर्स बल्कि यहाँ पे आपको नाश्ता भी कराया जाएगा जो कि बहुत ही यूनिक है। मुझे ये पैटर्न बहुत ही शानदार लगा और बहुत ही डिफरेंट लगा। सो अगर आप आ रहे हो ना तो मुझे लगता है आपका पूरा पैसा वसूल है। सो गाइस ये आ गई है चार्ज, ये है ठंडाई। सर एक बात बताइए सर, कैसा लगा आपको यहाँ का कॉन्सेप्ट? बढ़िया है, बहुत अच्छा। अच्छा बिल्कुल नया, क्योंकि अभी फिलहाल इसका वाटर पार्क वगैरह ओपन नहीं है। सो अगर ये वाटर पार्क ओपन हो जाता है तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा? बिल्कुल बढ़िया रहेगा, वैसे अब भी है ना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि बिल्कुल राजस्थानी कल्चर है, डांस वगैरह प्रोग्राम है, देखने लायक है, कालबेली नृत्य जो भी प्रोग्राम है सारा बढ़िया है, बच्चों के लिए वैसे खेलने के लिए प्रोग्राम बना रखा है, झूला वगैरह है जो भी है, तो बढ़िया चीज़ है। धन्यवाद। तो गाइस ये देखिए, ये है पनीर की सब्जी, ये दाल, वो कड़ी और ये क्या है सर? आलू प्याज। और ये आलू प्याज, तो जैसा आपको बताया था चार सब्जियां हैं और यहाँ पे आप चारों का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। वाओ, कैसा लगा यहाँ का खाना और यहाँ का एम्बियंस कैसा लगा आपको? शानदार, वन वर्ड। और यहाँ का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, जैसे कि वाटर पार्क भी आने वाला है और विलेज रिसोर्ट भी है, तो ये कॉन्सेप्ट जयपुर में शायद पहली बार है, तो आपको कैसा लगा? नहीं, पब्लिक के लिए अच्छा अनुभव है और एक एंटरटेनिंग है और सबसे बड़ा है कि लो बजट है। तो आप लोगों को कैसा लगा यहाँ पे? मतलब काफी टेस्टी है खाना यहाँ पे और एमबीएस वगैरह काफी अच्छा है। ये है लग गई हमारी थाली और ये देखिए जलेबी, ये सिक्का जलेबी गाइस, ये सिक्का जलेबी, इसका साइज देखिए वाओ, ये बेजड़ की रोटी, यहाँ पे अलग अलग रोटी है, ये बेजड़ की रोटी, ये मिस्सी रोटी, मिस्सी रोटी है और ये देखिए वाओ यार, टेस्ट करके बताओ यानी कैसी लगी। लेकिन सबसे चकित ऐसी जलेबी देखने को मिलेगी ये साइज है। सो अब मैं आपको इसका एक और एरिया दिखाने जा रहा हूँ जो कि अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन में है बट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, आप हर एक वाटर पार्क को फेल कर देंगे। जी हाँ, मैं आपको लेकर जा रहा हूँ इनके वाटर पार्क एरिया में जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत कुछ ही दिनों में चालू हो जाएगा। सो मेजॉरिटी यहाँ पे बताया गया है कि हमको कि 5 तारीख से चालू होने वाला है। सो आइए चलिए देखते हैं, चालू होगा तब हम आपको जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल, ये देखिए गाइस, गाइस यहाँ पे अगर आप सवारी करना चाहते हैं घोड़े की, ऊंट की, सो यहाँ पे वो वाला ऑप्शंस भी अवेलेबल रहेगा। धन्यवाद साहब, ये देखिए। सो चलिए अब मैं इसका वाटर पार्क एरिया दिखाने जा रहा हूँ आपको।
सो यहाँ से तो सीधा अगर आप जाते हैं तो विलेज में चले जाएंगे और ये एरिया जाता है वाटर पार्क में। सो आइए चलिए चलते हैं। ये देखिए यहाँ से वाटर पार्क के अंदर जाएंगे तो ये लॉकर रूम बन जाएगा, ये लॉकर रूम बन जाएगा और ये बन जाएगा चेंजिंग वॉशरूम या फिर चेंजिंग रूम। ये देखिए वाओ यार, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है ये रिसॉर्ट और ऐसा रिसॉर्ट जयपुर में पहली बार आ रहा है। सो ये देखिए गाइस, मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि यार जब ये खुलेगा तो कैसा रहेगा। गजब, ये देखिए। सो यहाँ पे भी लॉकर है, उधर भी लॉकर है, एक लेडीज एक जेंट्स और यहाँ पे भी इनका लॉकर और चेंजिंग रूम। ये देखिए ये पूरा चेंजिंग रूम वगैरह रहेगा और वॉशरूम वगैरह की सुविधा भी दे रखी है। भाई ये देखिए, ये चल रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन काम अभी और ये होने वाला है वाटर पार्क वाला एरिया। ये हो गया, ये देखिए इधर, ये यहाँ पे सारी, ये है बच्चों के लिए वोरी बकेट और यहाँ पे भी आप वो रेन डांस टाइप कर सकते हैं। ये देखिए, सो अभी ये वाला जो एरिया है ये मेगा पूल है, ये बहुत ही बड़ा पूल होने वाला है। सो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा बट मैं इसके अंदर ट्राई करूँगा लाइट देने की। सो ये बहुत ही बड़ा पूल है और जयपुर में या तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में है या फिर यहाँ पे रहेगा ये। और ये देखिए, सो गाइस ये है पूरा स्लाइड वाला एरिया, ये पूरा पूल वाला एरिया रहेगा जिसमें 3-4 स्लाइड्स लगेगी और ये पूरा सामान आ चुका है स्लाइड्स का जिसपे आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। सो ये बहुत ही जल्दी खुलने वाला है, यहाँ पे ये बहुत ही जल्दी खुलने वाला है, आप मिस मत करिएगा गाइस। सो चलिए आइए अब हम इनके ओनर से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअली में हैं यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि हम कुछ चीज़ें मिस कर जाएं और साथ ही साथ इसकी एंट्री फी स्ट्रक्चर क्या क्या रहेगा। सो गाइस अब हम आ गए हैं यहाँ के ओनर से पता करने कि यहाँ पे इनके चार्जेस क्या है, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। सो अब हम बात करने वाले हैं प्रवीण गुप्ता जी और नवीन गुप्ता जी से। सो आइए चलिए। हेलो गाइस। हेलो। सो ये कॉन्सेप्ट कैसे सोचा आपने कि जयपुर में ये कॉन्सेप्ट आएगा, आप ला सकते हैं इसको? एक्चुअली यहाँ पे जयपुर में दो एक ऐसे रिसोर्ट्स हैं जो ट्रेडिशनल बेस पे काम कर रहे हैं, तो वाटर पार्क ऑलरेडी हम लोग चला रहे थे, उसके साथ में कुछ मिक्स करना था ट्रेडिशनल, तो ढाणी एकदम से प्लान में आ गया। और अब हम जो कॉन्सेप्ट लेके आए वो है वेस्टर्न के साथ में ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, आपको वाटर पार्क के साथ में हम लोग ढाणी भी मिक्स करके दे रहे हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है तो उसमें जो प्लानिंग है उसके अंदर है कि आदमी यहाँ पर आए तो हर एज का हर बंदा पूरा एंजॉय करके जाए। ओके। और यहाँ पे प्रवीण जी क्या चार्जेस और क्या सुविधा दी जाएगी हर किसी को जो कि आ रहा है? जब कोई भी गेस्ट यहाँ आएंगे तो अभी हम जो प्राइस इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो 650 रुपीज़ पर पर्सन है और वो प्राइस 3.5 से नीचे 2.5 to 3.5 तक इसमें डिस्काउंटेड प्राइस भी है। इस प्राइस के अंदर जब बंदा यहाँ आएगा तो उसके पास साथ में उसको स्नैक्स हैं, उसको वेलकम ड्रिंक हैं जिसमें जैसे अजमेर की कड़ी कचौरी है, ठंडाई है, भेल है, ये सब इंक्लूडेड हैं। साथ में इसको जो एक्टिविटीज़ मिलेंगी उसको कैमल राइड मिलेगी, हॉर्स कार्ट मिलेगा, बच्चों और बड़ों के लिए फेरिस व्हील है, कोलंबस है, साथ में बच्चों के लिए मिकी माउस जंपिंग है, पेपर शो है, मैजिशियंस वगैरह हैं, कालबिले डांस हैं, भूपा भूपी डांस वगैरह हैं, लेडीज़ के लिए मेहंदी की सुविधा है, हेड मसाज है, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब इस प्राइस में इंक्लूडेड है। साथ में 650 के अंदर हम पूल दे रहे हैं, एडल्ट पूल दे रहे हैं, बच्चों के लिए किड्स पूल दे रहे हैं, स्प्लैश पूल दे रहे हैं, प्लस साथ में डिनर दे रहे हैं। डिनर के अंदर हमारा जो मेन्यू है वो एक ट्रेडिशनल और राजस्थानी फूड का मेन्यू भी है और साथ में अगर ऑप्शनल भी है पंजाबी फूड भी है, उसमें हम 4 तरह की सब्जियां दे रहे हैं, 4 तरह की रोटी दे रहे हैं, चावल अचार लहसुन की चटनी है, सिक्का जलेबी है, ऑप्शन में खीर भी है, ये सब इस पूरे पैकेज में इंक्लूडेड है, कोई भी हिडन चार्जेस में इंक्लूड नहीं है। ओके। और अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने देखा आपका वाटर पार्क बन रहा है, सो ये कब तक फंक्शनल हो जाएगा?
में 15 जून के आसपास ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा 15 जून तक ये कंप्लीट। अभी राइट नाउ हमारे पास में एक पूल है, स्प्लैश पूल है एंड किड्स पूल है। 15 जून के बाद में हमारे पास में होगा स्लाइड्स होंगी 4-5, रेन डांस होगा एडल्ट्स के लिए, एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट का हम रेन डांस लेके आ रहे हैं, डिस्क वाले कॉन्सेप्ट पे रहेगा। उसके अलावा जयपुर का सबसे बड़ा वेव पूल लेके आ रहे हैं हम लोग, एंड बाकी जो पूल एक्टिविटीज हैं वो सब है, किड्स एक्टिविटीज हो रही है। और अगर किसी को विलेज घूमना है और वाटर पार्क घूमना है एक साथ, सो उसके चार्जेस क्या रहेंगे? अगर विलेज और वाटर पार्क का घूमना है तो 800 चार्जेस हैं। हमने तीन ऑप्शन रखे हैं, अगर कोई चाहता है वाटर पार्क घूमना उसके लिए ऑप्शन है, अगर कोई चाहता है कि धानी घूमना उसके लिए ऑप्शन है, अगर दोनों का कॉम्बो चाहता है उसके लिए भी ऑप्शन है। ओके, सो अगर सिर्फ वाटर पार्क घूमना चाहता है तो उसको कितने चार्ज देना होगा? 450 रुपीज़, जिसके अंदर कॉस्ट्यूम और लॉकर के चार्जेस अलग रहेंगे, उसमें एक्स्ट्रा रहेंगे, एक्स्ट्रा रहेंगे। सो गाइस, ये थे प्रवीण गुप्ता जी और नवीन गुप्ता जी, जिन्होंने इस धानी के बारे में, इस विलेज और मैं कहूँगा सबसे बेस्ट विलेज और रिसोर्ट के बारे में पूरी जानकारी दी। सो होपफुली ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि जयपुर में ऐसा कॉन्सेप्ट पहली बार आ रहा है जिसमें वाटर पार्क के साथ साथ आपको विलेज रिसोर्ट भी मिलेगा और इसमें आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।